हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज है दोस्तों 17 जनवरी, और 17 जनवरी से NTPC एग्जाम चल रही है। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो ये दोस्तों सीखते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। 25 क्वेश्चन है इसके अंदर, और बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, बोर का तारा किसे कहते हैं? तो बोर का तारा है दोस्तों शुक्र ग्रह को। बोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अगला देखिए, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका? सी, यानी कि 8 मिनट। सी वाला नहीं, डी वाला, 8 मिनट 20 सेकंड, सॉरी सी वाला नहीं है, डी ऑप्शन, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ये आपके NTPC रेलवे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों लीप वर्ष में होते हैं, लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। तो साधारण वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। ठीक है, तो आधा आधा दिन वो 6-6 घंटे मिलके 4 वर्ष बाद लीप वर्ष कितने दिन होता है? 4 वर्ष बाद होता है, और 4 वर्ष बाद एक लीप वर्ष बनता है। और इसमें फरवरी कितने दिन की हो जाती है दोस्तों? 29 दिन की होती है, 29 डेज की, इसलिए एक दिन आगे बढ़ के ये 366 दिन हो जाते हैं। बाकी साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है दोस्तों, ये लीप वर्ष के बारे में जानकारी। अगर आपसे पूछा जाए कि लीप वर्ष में अगर फरवरी कितने दिन की होती है, तो 29 दिन बताएंगे आप। ठीक है, अगर लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन, ये दो प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। और बाकी अगर साधारण वर्ष में अगर लीप वर्ष कौन सा होता है, और ये भी आपको मैं क्लियर करा दूं, जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो क्या ये लीप वर्ष होगा बताओ? 2000 जो 21 चल रहा है, ये क्या लीप वर्ष होगा? नहीं, क्योंकि इस लीप वर्ष वही होता है जिस सन में अगर 4 का पूरा भाग चला जाए, इसका 4 का अगर पूरा भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष होता है। अगर 4 का पूरा भाग नहीं जाता है तो वो लीप वर्ष नहीं होता है। बस ये आपको लीप वर्ष की पहचान याद रखनी है। जैसे 2000, अभी 2004 था, 2020 था, 2020 ये लीप वर्ष था, 2020 क्या था? लीप वर्ष, क्योंकि 4 से डिवाइड होता है, 4 से 4 एकम 4, और 4 5 20 और 0 और 4 5 20, यानी 4 से पूरा डिवाइड होता है। तो जो वर्ष 4 से पूरा डिवाइड होता है, आपसे कभी परीक्षा में ऐसे पूछ ले को कोई यहाँ पे 3 या 4 आपको सन के नाम दे दी जाए, इनमें कौन सा सन लीप वर्ष होगा, तो आपको ये भी पहचान होनी चाहिए कि लीप वर्ष यानी कि जिस सन में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष होता है, और जिस पे 4 का पूरा भाग नहीं जाता है तो वो लीप वर्ष नहीं होता है। वो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला, प्रत्येक 76 वर्ष में दिखने वाला एक तारा, 76 वर्ष में क्षुद्र ग्रह ध्रुव तारा हेली धूमकेतु गैलेक्सी, तो 76 वर्ष में दिखने वाला तारा है हेली धूमकेतु, हेली धूमकेतु, ये 76 वर्ष में दिखता है। हेली धूमकेतु कितने वर्ष में दिखता है? 76 वर्ष बाद दिखता है हेली धूमकेतु। नेक्स्ट दोस्तों अगला है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखा देता है? तो ध्रुव तारा दिखा देता है दोस्तों उत्तर दिशा में, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में दिखा देता है? उत्तर दिशा में दिखा देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का, तो ये इसके लिए नहीं होगा। शनि का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा सही होगा इसके लिए? टाइटन। शनि का
सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, ये वाला आपके आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 को प्रश्न हुआ था, एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था भारत ने पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को कब अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो ये छोड़ा था दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा अपना, 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी। तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन होती है 21%, 21%, नाइट्रोजन 78%, आर्गन होती है 0.95% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। तो सबसे अधिक कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है जो 78% होती है। आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, 78% नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, दाब का ऐसे मात्रक कौन सा होता है दोस्तों, दाब का ऐसे मात्रक पास्कल। अगला देखिए, कौन सी परत सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है, कौन सी परत, यह ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है, ओजोन परत। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी, तो चेडविक ने किसकी खोज की थी दोस्तों, न्यूट्रॉन ने। गोल्ड स्टेन ने खोज की थी प्रोटॉन की, रदरफोर्ड ने की थी परमाणु मॉडल की, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जे.जे. थॉमसन ने। तो ये चार ऑप्शन है, याद रखें, जे.जे. थॉमसन ने इसकी खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट है अगला देखिए, जल का अणुसूत्र क्या है, CO2 H2O HCl। तो देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O जल का सूत्र है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और एक और NaCl जो नमक का सूत्र है। अगर आपसे नमक का सूत्र पूछ लिया जाए तो NaCl, ठीक है, तो जल का सूत्र है H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, 13वां, सन 1930 में भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यार्थ प्रकाश, सीवी रमन, मदर टेरेसा। दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार जो है ये सभी को मिला हुआ है। अब 1930 में किसको मिला, ये अगर ऐसा पूछे तो सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, 1913 में मिला था, सत्यार्थ प्रकाश को 2014 में मिला था, सीवी रमन को मिला था 1930 में। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। मदर टेरेसा को 1979 मिला था, ठीक है, 1979 में इनको भी मिला था। तो अपने को याद रखना है 1930 में किसे मिला था, सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हो, सत्यार्थ प्रकाश, लिवेन हॉक। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज लिवेन हॉक ने की थी, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। दो बार पूछा गया आपके कोशिका वाला, रॉबर्ट हुक वाला दो बार पूछा गया एनटीपीसी में। तो आप याद रखेंगे सूक्ष्मदर्शी की खोज वाला लिवेन हॉक, हो सकता है अगली बार सूक्ष्मदर्शी पूछा जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ नेत्र से के लिए स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया का रोगवाहक जो है प्लाज्मोडियम, मलेरिया किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम से। नेक्स्ट है दिसंबर, 1 दिसंबर कौन सा दिवस मनाते हैं, तो जल दिवस, एड्स दिवस, इसमें होता है एड्स दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और पेंसिल की लेट किससे बनती है, तो ये दोस्तों कार्बन, लोहा और ग्रेफाइट एल्यूमिनियम, तो बनती है ग्रेफाइट से, किससे बनती है, ग्रेफाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक को स्वतंत्र पर लटकाने किस दिशा में ठहरता है, तो ये ठहरता है दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है।
एक चुंबक को धागे से बांध के लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? एलपीजी में गैस होती है ब्यूटेन। कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। नेक्स्ट है दूध मापी यंत्र लैक्टोमीटर। दूध मापी यंत्र कौन सा होता है? लैक्टोमीटर। कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? तो ये दोस्तों मुर्गी की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मुर्गी की। और गेम्बुशिया किसकी नस्ल है? गेम्बुशिया दोस्तों मछली की नस्ल है। गेम्बुशिया किसकी? मछली की नस्ल है। और लास्ट क्वेश्चन है गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर में पाई जाती है मेथेन। गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें।